आज मैं शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही मज़ेदार नूडल्स जो बहुत ही आसानी के साथ बनने वाला है। तो पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा और अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन के साथ कीजिएगा ताकि आने वाले टाइम में हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं कैसे बनाना है इस नूडल्स को। तो नूडल्स बनाने का सबसे सही तरीका पहले से तैयारी, तो पहले से तैयारी कर कर रखिए और फिर नूडल्स बनाइए। देखिए बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार होगा। तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल रंगोली किचन में। तो नूडल्स बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन लेंगे और इसमें डालेंगे पानी। तो ये पानी डाल दिया है, अब गैस को कर देंगे ऑन। और साथ ही साथ इसमें डालेंगे 1 चम्मच नमक और ये रिफाइंड ऑयल, तो 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल का डाला है और इसे कर देते हैं मिक्स। तो ये पानी गर्म हो चुका है, इसमें डाल देते हैं ये नूडल्स। तो अब लेते हैं ये चिमटा और चिमटे से इसको इस तरह से पलट देते हैं। तो जैसे ही भीगेगा चारों तरफ से ये बहुत अच्छे से खुल जाएगा। ये देखिए काफी अच्छा खुल चुका है, तो इसको थोड़ा सा इस तरह से और खोल देते हैं। और बस एक उबाल आने देते हैं इसमें, और जैसे ही उबाल आता है बस गैस को करेंगे बंद और निकाल लेते हैं बोल में। आप चाहे तो छन्ने से छान लें इसे। तो इस नूडल्स को मैंने 70% पकाया है और कंप्लीट ठंडा होने देंगे। आप चाहें तो इसमें 2 चम्मच तेल का और डाल सकते हैं। तो काफ़ी खिला खिला सा नूडल्स हमारा तैयार है। अब चलिए अगले प्रोसेस में। तो सबसे पहले ये 2 बोल लिया है, इसमें डालेंगे विनेगर जो मैंने थोड़ा ज़्यादा ले लिया है। 1 चम्मच लेना है विनेगर का, 1 चम्मच रेड चिली सॉस। तो 1 चम्मच रेड चिली सॉस लिया है और 1 चम्मच ले लेंगे ग्रीन चिली सॉस। तो देखा आपने, इसलिए पहले से तैयारी ज़रूरी होती है। और अब लेना है सोया सॉस, तो 1 चम्मच सोया सॉस लेंगे। मिक्स कर देंगे इसे। अब दूसरे बोल में डालेंगे 1/2 चम्मच गरम मसाला और कलर देने के लिए लेंगे 1/2 चम्मच देगी मिर्च और साथ में नमक स्वाद अनुसार। और अब सॉस में डालेंगे 1/2 चम्मच पाउडर शुगर और करेंगे इसको मिक्स अच्छे से। तो अपना गाढ़ा सा सॉस तैयार है और बहुत ही चटपटा है, इसे भी मिक्स कर देते हैं। तो अपना मसाला और सॉस दोनों तैयार है और साथ में ये सब्जियां जो काट के रखा हुआ है हमने। तो सब्जियों में मैंने लिया है लहसुन, बारीक काट के 2 चम्मच लहसुन का लिया है, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 2 हरी मिर्च काट के ले लिया है, प्याज लिया है 1 मीडियम साइज का, शिमला मिर्च, बंधा गोभी और गाजर। तो सारी सब्जियों को मैंने इस तरह से लंबे आकार में काट लिया है। तो शिमला मिर्च, प्याज, गाजर सबको लंबे आकार में काटा है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो ये पैन गैस ऑन कर देते हैं।
और बिल्कुल हाई फ्लेम पे गरम होने देते हैं। तो ये गरम हो चुका है, धुआं निकल रहा है, तो इसमें डालेंगे तेल। तो मैंने 4 चम्मच तेल का डाला है और इसमें डालेंगे ये प्याज और साथ ही साथ जाएगा अदरक लहसुन हरी मिर्च और बस मिक्स करेंगे इसको। तो जस्ट मिक्स किया है, अब डाल देंगे इसमें बंधा गोभी, गाजर थोड़ा सा करेंगे मिक्स और अब डाल देंगे शिमला मिर्च, आंच बिल्कुल तेज, साथ साथ डालेंगे ये नूडल्स। तो क्रंच मेंटेन रखना है इसलिए इसे पकाना नहीं है, टेक्सचर इसका मेंटेन रखना है। और ये मसाले जो मैंने बनाए थे, गरम मसाला, देगी मिर्च और नमक और ये गाढ़ा वाला सॉस, और बस मिक्स कर देंगे। और थोड़ी सी सब्जियां मैंने बचा ली है, जैसे शिमला मिर्च, बंधा गोभी और गाजर, प्याज, सारे मैंने थोड़े थोड़े बचा लिए हैं। तो उसका क्या करना है अभी मैं बताऊंगी। तो इस तरह से मिक्स करना है लगातार चलाते हुए, आंच को रखना है तेज। तो इस टाइम पर आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, इसलिए तैयारियां पूरी होनी चाहिए नूडल्स बनाने से पहले। तो इस तरह से थोड़ा सा मिक्स करेंगे इसको। तो लीजिए नूडल्स है तैयार, गैस कर दिया है बंद और अब बारी आती है उन कच्ची सब्जियों को डालने की जो हमने बचाए थे। तो ये डाल दिया है और इसे कर देंगे मिक्स। तो नूडल्स हमारा गर्म है तो इन सब्जियों को थोड़ा सा पका देगा तो क्रंची भी रहेगा, टेक्सचर बिल्कुल लाजवाब होगा इसका। तो तैयार है नूडल्स, तो चलिए सर्व कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारा नूडल्स, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही स्वादिष्ट, एक बार ज़रूर बनाकर देखिए और अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो इसी के साथ फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते, थैंक यू।